नमस्कार। आज हम कक्षा 6 का जो हमारे अतीत बुक है उसका जो लेसन है क्या कब कहाँ कैसे, इसके बच्चों प्रश्न उत्तर करेंगे। और प्रश्न उत्तर है वो आप अपनी नोटबुक में करोगे। जब मैंने पहले 2 लेसन करवाए थे उसी के जस्ट आगे आपको ये तीसरा लेसन करना है, ठीक है। तो तीसरे लेसन में आप क्या करोगे, जैसे अपने प्रश्न उत्तर कर रहे हैं बैक साइड में प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, मैं आपको प्रश्न उत्तर करा रही हूँ। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि हमारे अतीत में, देखो बच्चों हमारे अतीत में किन किन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम अपने अतीत मतलब जो बीता हुआ टाइम है उसे अतीत कहते हैं, और इसमें हम किस किस के मतलब किस किस के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कहने का अर्थ है जानकारी हासिल करना। तो हमें हम अतीत में शिकारियों का, पशुपालन, उसके अलावा जो कृषक है, ठीक है, कृषक है, शासक है, व्यापारीगण है, पुरोहित है, शिल्पकार जो मतलब मकान भवन मूर्तियां बनाते हैं, ठीक है, कलाकार, संगीतकार और वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैज्ञानिकों जैसे कि आर्यभट्ट हो गया या फिर बहरा मिहिरा हो गया, ये सारे क्या थे, वैज्ञानिक थे जिन्होंने चांद तारे या तिथियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, ठीक है बच्चों। अब अपने जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष किन का मतलब उपजाना किया या किन किन पशुओं को पालतू बनाया, अर्थात क्या है, कहते हैं कि 8000 वर्ष पूर्व, ठीक है, कौन कौन से फसल है इनको उपजाना या फिर कौन कौन से पशुओं को पालते थे। तो यदि फसल के रूप में जाने तो ये है कि गेहूं और जौ, सबसे पहले किसका प्रयोग किया था, गेहूं और जौ का, ये देखो ये लिखा हुआ है गेहूं और जौ का फसल थी। इसके अलावा भेड़, बकरी, गाय आदि पालतू पशुओं को भी पालते थे। ये देखो बच्चों ध्यान से देख रहे हो ना आप लोग कि गेहूं और जौ, ठीक है। अब अपने पास में तीसरा प्रश्न है कि सहायक नदियां किसे कहते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, इनके अंदर जो छोटी छोटी नदियां मिलती थी उनको सहायक नदियां कहते हैं, ठीक है। कौन कौन सी मतलब कितने वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे नगर फले फूले थे। सहायक नदी समझ गए आप, जब बड़ी नदियों के अंदर जब छोटी नदियां मिलती है तो उन छोटी नदियों को सहायक नदी कहते हैं। आंसर देखो, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे प्रारंभिक नगर है वो फले फूले थे, ठीक है बच्चों। मान लो सिंधु सभ्यता आ गई या फिर अपने जो सरस्वती नदी जो लुप्त हो गई है उसी के किनारे जो अपनी सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, जैसे अपने राजस्थान के अंदर कालीबंगा के अंदर है, ठीक है। तो ये सारी क्या थे, पुराने हमारे यहाँ पर रहने वाले निवास स्थान, ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 4, गंगा नदी, जो देखो गंगा के दक्षिण में से, ठीक है, गंगा के दक्षिण में से नदियों के आसपास के प्राचीन काल किस नाम से जाने जाते थे। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, मगध नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 5 है, लोगों ने, ठीक है, लोगों ने द्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की थी। तो लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की क्या की थी, यात्रा की थी। आप सबको पता है कि जो अपना भारत देश है, ठीक है, भारत को उपमहाद्वीप की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। अब आपको पता है कि उपमहाद्वीप जिस मतलब जो नदी के तट होता है बेटा उसके
चारों तरफ, मतलब ये देखो मैं आपको थोड़ा सा ये अपना भारत का चित्र बना के दिखा रही हूँ। इस चित्र का जो नीचे वाला भाग है, इस नीचे वाले भाग में एक साइड, इस साइड कौन सा है, अरब सागर है, कौन सा है, अरब सागर है, और एक साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, एक साइड यहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो ये जो अपने भारत का जो दक्षिण भाग है, ठीक है, यहाँ पर जब हम समुद्री यात्रा करते हैं तो यहाँ से और इधर जाते हैं तो ये क्या है, समुद्री यात्रा का मतलब इसे कहते हैं कि लोग सदैव उपमहाद्वीप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक यात्रा करते थे। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 6 आ गया हमारे सामने। प्रश्न नंबर 6 क्या है, किन किन जगहों पर यात्रा जोखिम भरा था। सिंपल सी बात है कि भारत का जो उत्तरी भाग है, हिमालय जैसे पर्वतों की पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी या समुद्रों के किनारे यात्रा करना क्या थी, सबसे जोखिम भरा था। आज हम 6 ही प्रश्न करेंगे और आगे कल है हम फिर 6 प्रश्न करेंगे। जय हिंद, जय भारत बच्चों।